गाड़ी उधर ना मेरे पर करप्शन का कोई एलिगेशन है, ना मेरे पास किसी किस्म का कोई इख्तियार कभी रहा है, तो मेरे को किस चीज का मुकदमा हो। मैंने जब अभी पिछले दिनों कोर्ट में अपना स्टेटमेंट जब पढ़ा, जब दाखिल किया था, उसमें मैंने मीडिया के सामने भी पढ़ा, उसमें मैंने ये बात वाज तौर पर कह दी कि मेरे पे मुकदमे के पीछे वो माइंड सेट है जो कहता है कि अगर किसी ने पाकिस्तान को 70 साल से जो हिडन हैंड्स और जो खुफिया हाथ पाकिस्तान की तकदीर से खेल रहे हैं और हर चीज में मुदाखलत करते हैं, अगर उनको कोई चैलेंज करेगा, उनको कोई ललकारेगा या उनके सामने कोई डट के खड़ा हो, तो उसको इबरत का नमूना बना दिया जाएगा। ये जो माइंड सेट है, ये मैसेजेस मुझे थ्रू आउट मिलते रहे, जैसे मियां साहब को ये मैसेजेस मिलते रहे हैं कि आप जाएं और अपनी बेटी को भी साथ ले जाएं, बल्कि मुल्क से बाहर ही रहें, मुझे भी ये मैसेजेस मिलते रहे हैं कि आपको तो हम छोड़ें। तो मेरे लिए भी बहुत आसान रास्ता था कि दूसरे जो मेरे हमसर हैं सियासत में, उनकी तरह मैं भी एक बड़ा अच्छा और वो मसालियत का रास्ता अपनाती और कहती कि मेरा तो बड़ा अच्छा ब्राइट पोलिटिकल फ्यूचर है और मुझे तो बड़ा खून खून के कदम रखना चाहिए। मुझे वो शायद पाकिस्तान की 70 साल तारीख में पहला ये ऐसा प्रेसिडेंट है, पहला मौका है कि एक बेटी को जिसने जिसका जुर्म सिर्फ बेटी होना है और हक बात करना है, हक पे खड़े हो जाना है। ऐसा मैं समझता हूँ कि जो वो एक्सपोज हो रहे हैं वो तमाम लोग, वो तमाम इदारे जो अपने प्रोफेशन को छोड़कर सियासत में मुदाखलत कर रहे हैं, ये उनकी उनके हलफनामे में है कि हम किसी सियासी ग्रोह का हिस्सा नहीं बनेंगे, किसी सियासत में मुलव्वस नहीं होंगे, हम अपने प्रोफेशन के काम से काम रखेंगे। तो वो अगर अपने हल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं तो मेरा ख्याल है कि खुद उस इदारे को इसका नोटिस लेना चाहिए। वो कौन लोग हैं, वो कौन लोग हैं जो अपने हल की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं, उनको खिलाफ वर्जी करने से रोका जाए, क्योंकि अब पाकिस्तान के आवाम इस किस्म की मुदाखलत सियासी निज़ाम में बर्दाश्त नहीं करेंगे। और रिजर्वेशन या क्या हेजिटेशन, आओ आओ हम एक दूसरे का हाथ पकड़ें और मार्च करें और पाकिस्तान को बदल डालें। इस मुल्क बदलेगा तो यहाँ तरक्की, खुशहाली, इज्जत, वकार होगी। आप जो कह रहे हैं उसमें एक चीज नहीं, मैं आज की बात नहीं कर रहा, मैंने साथ कहा था कि जब लास्ट टाइम में यहाँ मैं नहीं गया, लेकिन मैं उसके बाद दूसरी पेशी में मैं कभी नहीं गया और मैंने इस बात को कहा भी है, तस्लीम किया। अल्लाह माफ करे। वो शांत सलामत रहती है, इस जान की कोई बात ही नहीं जानी है। सर उठाकर ये बात कर सके कि आईन, पाकिस्तान में आईन और कानून की बात करना इस वक्त सबसे मुश्किल, पाकिस्तान में आईन और कानून को पामाल करना इस वक्त सबसे आसान। मैं ये पाकिस्तान अपने लिए नहीं चाहती, मैं नहीं चाहती कि पाकिस्तान में फेडरल गवर्नमेंट चले,
मैं ये चाहती हूँ कि पाकिस्तान में जब आप वोट दें तो पाकिस्तान में वोट की इज्जत हो और पाकिस्तान में जो मुंतखब नुमाइंदे हैं उनकी इज्जत हो और जैसे सब इदारों की इज्जत है होनी चाहिए। कोई अच्छी बात नहीं कि सबसे बड़ा इदारा जो है वो आवाम का इदारा है, वोट है, उसकी हुर्मत है और हर अवामी नुमाइंदे की इज्जत होनी चाहिए। उसको पाकिस्तान में 70 साल में एक भी वजीर आजम ने अपनी वो वक्त और था क्योंकि वो सच्चे हक पे खड़े हैं तो मुझे उनका साथ भी दे, लेकिन मैं इस मुल्क की बेटी हूँ, इस कौम की बेटी हूँ, मुझे मुझे भी उसी मुल्क में रहना है, पाकिस्तान में रहना है मेरे बुजुर्ग वतन है जिस मिट्टी में हमने वापस जाना है। तो मैं मेरी ये स्ट्रगल किसी चीज के लिए रहे जहाँ ना मेरे पर करप्शन का कोई एलिगेशन है, ना मेरे पास किसी किस्म का कोई इख्तियार कभी रहा है, तो मेरे को किस चीज का मुकदमा हो। मैंने जब अभी पिछले दिनों कोर्ट में अपना स्टेटमेंट जब पढ़ा जब दाखिल किया तो उसमें मैंने मीडिया के सामने भी उसमें मैंने ये बात वाजे तौर पे कह दी कि मेरे पे मुकदमे के पीछे वो माइंडसेट है जो कहता है कि अगर किसी ने पाकिस्तान को 70 साल से जो हिडन हैंड्स और जो खुफिया हाथ पाकिस्तान की तकदीर से खेल रहे हैं और हर चीज़ में मुदाखलत करते हैं, अगर उनको कोई चैलेंज करेगा, उनको कोई ललकारेगा या उनके सामने कोई डट के खड़ा हो तो उसको इबरत का नमूना बना दिया जाएगा। ये जो माइंडसेट है और ये मैसेजेस मुझे थ्रू आउट मिलते रहे, जैसे मियां साहब को ये मैसेजेस मिलते रहे कि आप जाए और अपनी बेटी को भी साथ ले जाए बल्कि मुल्क से बाहर ही रहें, मुझे भी ये मैसेजेस मिलते रहे कि आपको तो हम छोड़ें। मेरे लिए भी बहुत आसान रास्ता था कि दूसरे जो मेरे हमसर हैं सियासत में उनकी तरह मैं भी एक बड़ा अच्छा और वो मसालियत का रास्ता अपनाती और कहती कि मेरा तो बड़ा अच्छा ब्राइट पॉलिटिकल फ्यूचर है और मुझे तो बड़ा खून खून के कदम रखना चाहिए, मुझे वो